हेलो गाइस, राधे राधे। तो प्रेमानंद जी महाराज को आप सभी लोग जानते ही होंगे। ऐसा कोई भी एक दिन नहीं रहता होगा जब आप उनकी वीडियो ना देखे, उनकी वाणी ना सुने, कहीं भी किसी के भी मोबाइल पे देखे, लेकिन देख जरूर लेते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, इस समय उनके एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो एक ऑडी कार में जाते नजर आ रहे हैं जब वो सुबह की एक फेरी पे निकलते हैं। तो लोग बोल रहे हैं कि साहब, साधु जी महाराज दूसरों को तो मोह माया मुक्त करवा रहे हैं, लेकिन खुद 50-50, 60-60 लाख की गाड़ियों में घूमते नजर आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि इन 50-60 लाख की गाड़ियों के पीछे का सत्य क्या है, क्या प्रेमानंद जी महाराज की ये अपनी गाड़ियां हैं या जो भी है, इस वीडियो में आपको क्लियर होगा। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, प्रेमानंद जी महाराज साहब जो है, महाराज जी जो है, वो एक भी गाड़ी को ऑन नहीं करते। अब क्वेश्चन आता है कि गाड़ियां आती कहां से, और अभी वो जैसे ब्रांड न्यू ऑडी में दिख रहे हैं। तो प्रेमानंद जी महाराज साहब की बहुत सारी मैं आपको पिक्चर्स वीडियो लगाता हूं स्क्रीन पे, जिसमें आपको देखे होंगे, वो फॉर्च्यूनर में भी आपको दिखेंगे, वो BMW में भी आपको दिखेंगे, वो तरह तरह की विभिन्न गाड़ियों में आपको दिखेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गाड़ी उनकी है। अब गाड़ी किन की है, तो पहला, गाड़ी भक्तों की रहती है। बहुत सारे लोग जो सिर्फ प्रेमानंद जी महाराज साहब को देखने की इच्छा रखते हैं ना, अगर उनको सौभाग्य मिले कि उनकी किसी चीज को, वस्तु को प्रेमानंद जी महाराज साहब अपने उपयोग में ले, तो इससे बड़ा सुख कुछ नहीं होगा। आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा, लोग बोलते हैं कि महाराज मेरी आयु आपको लग जाए। तो जब आदमी अपनी आयु महाराज को देने को समर्पित है, तो एक गाड़ी एक फेरी के लिए देना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, जो प्रेमानंद जी महाराज साहब के साथ के शिष्य है, वो लोग इतने अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, कोई मिलिट्री से था, कोई आर्मी से था, कोई जो है जिनके बहुत बड़े बड़े बिजनेस है, बहुत सारे लोग एजुकेटेड लोग हैं, बहुत ऊंची ऊंची जॉब पे थे, फॉरेन के जो आपको साथ में उनके साधुगण दिखते हैं, उनके फैमिली बैकग्राउंड ही इतने स्ट्रांग है कि कुछ गाड़ी उनकी हो सकती है। जैसे मैं आपको एक ओडी की जो अभी लेटेस्ट वीडियो जो वायरल हो रही है, ब्लैक कलर की ओडी Q3, उसी की डिटेल दे देता हूँ, किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, क्या है, ये आपको दिख रहा होगा। तो आई होप आप सभी को ये डाउट क्लियर हो चुका है कि जरूरी नहीं है कि हर साधु पाखंड करे, ढोंग करे, या उसका उद्देश्य पैसा कमाना ही हो। कुछ नामचीन एक दो साधु हो सकते हैं जिनका उद्देश्य है इस सोसाइटी को, आने वाली यूथ को सुधारना। अब जो है क्या है, उनकी दोनों किडनियां खराब है, तो उनको बैठने चलने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए फेरी के लिए उनको कार या कोई भी व्हीकल का यूज करना पड़ता है। वरना अगर आप उनके हृदय से पूछोगे तो वो ये भी नहीं चाहते कि वो एक गाड़ी का उपयोग करे, कार का उपयोग करे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय एवरीवन। प्रेम से बोलिए राधे राधे।